नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत। मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन है और सारे देश में तमाम राजनीतिक पार्टी के नेता और विपक्ष के नेता भी प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं दे रहे हैं। भाजपा के भी पूरे देश में भाजपा ने जो है वो अपने अलग अलग तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाने का संकल्प लिया है। बिहार के मत्स्य पालन मंत्री मुकेश सहनी ने भी आज अलग अंदाज में प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया। जी हां, उन्होंने गंगा नदी में जाकर 350 किलो के आसपास, करीब उसमें 71,000 मछलियां थी, जैसा कि बिहार के मत्स्य मंत्री मुकेश सहनी ने बताया, उसे गंगा नदी में बहाया। पत्रकारों ने उनसे पूछा जब कि आखिर ऐसा क्यों, इस तरीके से क्यों मना रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इससे तो पर्यावरण जो है उसको भी बचाया जाएगा और दूसरी जो चीज है, हमारे जो मछुआरे हैं उनको भी, जब ये मछलियां बड़ी होंगी, जब वो जाल फेंक कर मछलियां मारेंगे तो उनको भी रोजगार मिलेगा। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है जिस रोजगार की बात करते हैं, लोगों तक पहुंचने की बात करते हैं, उस तरीके से जन्मदिन मुकेश सहनी ने मनाया। अब क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सहनी, ये भी आप सुनिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आज जन्मदिन है, 71वां साल है और उसी जगह पे हमने उनके लंबे उम्र के लिए शुभकामनाएं और ईश्वर से कामना करते हैं कि उनके आयु लंबा हो। और इसके लिए हमने रेहू मछली 71,000 पीस गंगा जी में परवाह किए हैं, जिससे पर्यावरण में शुद्धता रहेगा और भविष्य में मछुआरा के लिए भी बेहतर होगा। दूसरी बात है कि जब हम तालाब में मछली पालते हैं तो उसका आयु ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल 1.5 साल होता है, जब हम गंगा जी में डाले हैं तो उनका आयु कई वर्षों तक रहेंगे। जब तक वो गंगा जी में रहेंगे तब तक सुरक्षित रहेंगे। तो उसी तरीके से आज उनके जन्मदिन पे हमने सोचा कि आज गंगा जी में मछली का प्रवाह करें। उत्तर प्रदेश में आप जा रहे हैं आज मछली को, आप उत्तर प्रदेश में भी मछली प्रवाहित करेंगे आज? जी हाँ, वहाँ का भी कार्यक्रम है लेकिन टाइम नहीं मिल पाएगा मुझे लगता है, तो यहीं पे गंगा जी में कर दिया गया है। बाकी बात तो वही है, सारा चीज़ें हैं। जिस समाज से आते हैं उस समाज के लोगों का कल्याण के लिए सोच रहे हैं? नहीं देखिए, नहीं, ये सारे चीज़ें तो सरकार का योजना है, सरकार तो काम करेंगे ही। आने वाले समय में 1-2 हफ्ता में 40 लाख मछली हम गंगा जी में डालने वाले हैं। 1-2 हफ्ते में डेट आने वाला है, रेंचिंग करने वाले। तो और इसी तरीके से जब समाज के लिए और खास करके ये तो प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर हमने ये कार्यक्रम रखा है। तो ये थे मुकेश सहनी, अलग ही अंदाज में पर्यावरण की सुरक्षा को बचाते हुए, सुरक्षा करते हुए लोगों के रोजगार की, मछुआरों के रोजगार की भी बात जो है वो मुकेश सहनी ने सोची है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए नेशन भारत के साथ। नेशन भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।